Happy Diwali! Diwali! हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और हमारे ससुराल में क्या होता है कि सबसे पहले हनुमान जी को हलवा पूड़ी का भोग लगता है, तो वही मैंने बनाया है। और यहाँ मेरे हस्बैंड भोग लगा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और हनुमान जी को यहाँ पर भोग लगाने के बाद ये हम लोगों को पंडित को या फिर किसी गरीब को दे देना होता है, तो बस वही यहाँ पर पूजा चल रही है। और आज मैंने लंच में बनाया है दाल मखनी, तो मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं करी है क्योंकि मैं इसकी रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और बनाऊँगी साथ में मिस्सी रोटी। तो बस जल्दी से ये लंच हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और लक्ष्मी मैया आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आएँ, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आएँ, यही हमारी मनोकामना है, यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और मैं रेडी हो गई हूँ मैंने, और सुबह आज बहुत सारा काम था इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है फेस्टिवल टाइम में पहले घर क्लीनिंग करना, सफाई। और फिर आज हम लोगों के यहाँ सुबह, जैसा कि आपने देखा कि मॉर्निंग में क्या होता है, हनुमान जी को पूड़ी हलवे का भोग लगता है, तो पहले मैंने वो बनाया, फिर ब्रेकफास्ट बनाया, फिर उसके बाद लंच बनाया। लंच में आज मैंने बनाया था, क्या बनाया था, दाल मखनी, मिस्सी रोटी और सैलेड और चटनी थी, जैसा कि आपने मेरा लंच देखा था। और मैंने ये वाली कुर्ती आज वेयर करी है जो मैं लेकर के आई थी, दिखाया था मैंने आपको। और देखिए पीछे कितना सुंदर डेकोरेशन है, सब लोग अपने घरों में बाहर सजाए हैं, मैंने भी अपने घर में लाइट लगाई है, अभी मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखा दूँगी। और मैंने भगवान जी को अच्छे से सजा लिया है। और ये देखिए मैंने जो फ्लोटिंग कैंडल बनाया था, आपके साथ शेयर किया था, ये वही है। और अभी मैं इसको जलाऊंगी जब दिया जलाया जाएगा। और मैंने ये वाला स्टोल लिया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। और आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या क्या वेयर किया है दिवाली में। आप चाहें तो आप अपनी फ़ोटोज़ पिक्चर मेरे को इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो रंगोली मैंने बना ली है, ज़्यादा डार्क मतलब बहुत बड़ी रंगोली नहीं बनाई है। चलिए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि मैंने गणेश जी और लक्ष्मी जी को कैसे सजाया है। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। सुंदर छोटी सी रंगोली है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया पर कितनी अच्छी लग रही है। और ये देखिए पीहू आप लोग को हाय करने आई है, हैप्पी दिवाली। और आपको पीहू का ड्रेस सबको दिखाते हैं, चलो पीहू अपना ड्रेस दिखा बेटा। ये देखो पीहू बनी है पंजाब दी कुड़ी, पीछे घूम के दिखाओ पीछे, ये देखो पंजाब दी कुड़ी, कैसी लग रही है पीहू कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने गणेश जी को और लक्ष्मी जी का आसन कैसे सजाया है।
तो अभी हम लोग ने पूजा स्टार्ट कर दी है, क्योंकि पूजा को मुहूर्त जो है वो कुछ 5:45 से लेकर के 10 बजे तक का है। तो मैंने सोचा कि 7:30 से 8 के बीच में हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो बस अभी हम लोग बैठ गए हैं, सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने पूजा करी, अब मैं कर रही हूँ, सभी भगवान जी को टीका कर रही हूँ, लक्ष्मी गणेश जी को आवाहन कर रही हूँ कि वो मेरे घर आएँ और हमसे जो गलती हो उसको क्षमा करें। तो ये देखिए यहाँ पर खीर लावा और मुरमुरे सब कुछ मैं चढ़ा रही हूँ, और फिर अब हम करेंगे आरती अपने लक्ष्मी गणेश जी की। लक्ष्मी माता। तो यहाँ हमारी पूजा हो गई है और हम लोग जा रहे हैं दिए जलाने। तो ये देखिए हमने सारे दिए जला लिए हैं और अब हम इसको अपने घर के कोने कोने में रखेंगे, एंट्रेंस में रखेंगे और विंडो पे रखेंगे। तो चलिए चलते हैं, साथ में दिए रखते हैं। तो पूजा करने के बाद पीहू ने बोला मुझे भी आरती करनी है, तो मैं पीहू को यहाँ आरती करा रही हूँ, क्योंकि अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उसे समझ में आने लगा है फेस्टिवल्स क्या होते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग शिप पे थे तो वहाँ पे तो ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं था, तो उसे कुछ पता नहीं चला था। तो अब मैं उसको यहाँ पर सब कुछ धीरे धीरे समझा रही हूँ कि दीपावली क्या होती है, दीपावली में क्या करते हैं। तो मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा उसके लिए किया है कि उसे सब कुछ समझ में आए फेस्टिवल्स क्या होते हैं। और मैं यहाँ पर भगवान के सिद्धा पढ़ रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, जिससे मुझसे जो भी कोई गलती हो मुझे क्षमा करिएगा। तो चलिए अब मैं आपको मिठाई खिलाती हूँ, आप भी मिठाई खा लीजिए। हैप्पी दिवाली। के डैडी उसको फुलझड़ी चला के बता रहे हैं कि कैसे फुलझड़ी चलाई जाती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा क्रैकर्स नहीं फोड़ते हैं और पीहू भी बहुत छोटी है, इसलिए बस मैं और डैडी उसके बता रहे हैं उसको कि ये फुलझड़ी है। आपको फिर से हैप्पी दिवाली। और ये देखिए पीछे जो ये आप लाइट देख रहे हैं, ये फोकस लाइट हम लोगों ने ही लगाया है। काफ़ी सारे पटाखे छूट रहे हैं, इसलिए आपको आवाज़ हो सकता है ना आ रही। और देखिए हम लोगों ने अपना डेकोरेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पीछे की लाइट मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग को कैसी लग रही है? चलिए फिर अभी और थोड़ा सा मस्ती करते हैं, कुछ लोगों से फ़ोन पे बातें करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। हाय पीयू, हैप्पी दिवाली। कैसा लग रहा है पीयू?
रहा है पीहू? अभी पीहू को समझ में आने लगा है दिवाली क्या है ना, दीपावली क्या है। दीपावली में पीहू क्या करते हैं? पटाखे छुड़ाते। ओह, पटाखे छुड़ाते हैं। किसने बताया आपको? मम्मा ने बताया। हाँ, पटाखे छुड़ाते हैं, दिए जलाते हैं, हाँ, मिठाई खाते हैं और सबको बोलते हैं हैप्पी दिवाली। बोलिए। तो अभी मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ और मैं आज बना रही हूँ फ्राइड राइस। तो बस क्योंकि दाल मखनी सुबह की रखी हुई है, फिर से मैं उसको फ्राई करूँगी। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं, कैप्सिकम है, अनियन है और पनीर है। तो ये सब डाल करके मैंने चावल बना लिए हैं और इसको डाल के मैं फ्राई कर लूँगी और फिर उसके बाद हम लोग जल्दी से फटाफट अपना डिनर कर लेंगे। फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। डिनर हो चुका है और अब पीहू जा रही है अपनी ड्रेस को चेंज करने। तो चलिए अभी पीहू ड्रेस चेंज कर लेती है, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। पीहू से बाय, हैप्पी दिवाली। तो मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा कंडील है जो कि कितना प्यारा लग रहा है। ये पिंक कलर का है और देखिए बाहर वहाँ पे मैदान में पटाखे लोग छुड़ा रहे हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर रंगोली है। ये मेरे फ्लैट के नीचे आंटी रहती हैं, उन्होंने बनाया है और पीहू यहाँ पे आई है उनसे मिलने के लिए। एक्चुअली वो उनकी डॉल ले गई थी खेलने के लिए, तो वही हम लोग वापस करने आए हैं नीचे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का डिनर भी हो गया है और हम लोगों ने ज़्यादा पटाखे वटाखे तो छुड़ाए नहीं। और डिनर में आज हम लोग ने राइस बनाया था, मतलब फ्राइड राइस टाइप का, और दाल थी हमारी तो हम लोगों ने उसी से मिक्स करके खाया। ज़्यादा भूख तो नहीं थी क्योंकि मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने खाया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि दिए जला रखे थे तो फ़ैन ऑन कर रखा है। और आज हम लोग अपने घर से दूर हैं और यहाँ पे बस मैं हूँ, पीहू है और पीहू के डैडी ही हैं। घर पे होते तो बहुत अच्छा लगता, और घर की दिवाली घर की ही होती है, अपने घर की। फिर इसी के साथ मैं देती हूँ, मैं मिलती हूँ आपको कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।